सत श्री अकाल, न्यूज रूम लाइव देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हदपिका खोसला। प्रोग्राम दे विच गल करांगे सिद्धू मूसेवाला दी अंतिम अरदास दी। अंतिम अरदास दे विच पहुंचण लई जिथे वड्डी गिणती दे विच लोक पहुंच तोड़ के आसमान दीआं बुलंदियां नूं छुया ते अपना वखरा मुकाम जो है वह हासिल किया। ते इस दे नाल ही सरकार नूं ते लोकां नूं की अपील करदे ने सिद्धू मूसेवाला दे पिता, उह वी तुहानूं दस्सांगे। तमाम मुद्दे उत्ते विस्थार पूर्वक चर्चा लई मेरे नाल टीवी पंजाब दे सीनियर एडिटर जसवीर हुसैन जी मौजूद ने। जसवीर जी, अज बेहद भावुक कर देण वालीआं तस्वीरां फिर देखण नूं जिवें मिलीआं, और खास तौर उत्ते जो देखण नूं मिलिआ कि बच्चिआं तों लै के जवान तां पहुँच ही रहे सन, बच्चे पहुँच रहे सी, बजुर्ग पहुँच रहे सी। कोई इह आख रिहा सी कि सिक्खी सरूप विच सी और उन्हें सिक्खी स्वरूप नूं कायम दायम रख्या, नहीं तो जिस इंडस्ट्री नाल ओह जुड़िया होया सी, अक्सर लोग अपना सब तो पहला भेस ही वटा लैंदे ने और लुक क्योंकि इस विच बहुत मैटर करती है, पर उस सिक्खी स्वरूप विच हुंदे होए उसने ये मुकाम हासिल किया। उत्थे ही बच्चों की गल कर लईए तो कई पिता दीआं तस्वीरां सामने आईआं जिन्हां ने इत्थों तक आख्या कि साडे बच्चे जो ने वह खास तौर उत्ते सानूं अज छुट्टी दवा के इत्थे लै के आए ने, जिद करके लै के आए ने कि असीं जाणा ही जाणा है। जे बच्चों की उम्र की गल की जाए तो 5 साल का कोई सी, कोई 7 साल का सी, कोई 11 साल का, और खास तौर पर बीबिया भी पहुंचिया ने और उन्होंने जिस तरह के बयान सामने आए कि सानू इंज लगता है जिवें साडा कोई अपना साडा पुत ही इस जहान तो तुर गया। इस नूं किवें देखदे हो? इह सिद्धू मूसेवाले दी अप्रोच सी जी कि वह सीधा लोगों के दिलों के घर घर गया, वह दिलों का किया होया घर ही अज जिहड़ा वह बोलिया जी। वह मैं किसी स्याणे बंदे को सुनिया सीगा, वह कहिंदे तुहाडी कमाई वह नहीं हुंदी जिहड़ी तुसीं जाण लगे छड के जाने आ, कोई महल मुनारे कोई गड्डियां छड्डियां जिहड़ियां इह छड के जाने, तुहाडी कमाई नहीं हुंदी। तुहाडे आखरी सफर दे विच किन्ने लोक तुहाडे नाल तुरदे आ ना, इह तुहाडी कमाई हुंदी आ। की फायदा तुसीं वड्डे महल खड़े कीते होण, पैसे वाहवा कमाए होण, ते तुहानूं चार बंदे मोढा देण नूं ना मिलण आखरी वेले, वह कमाई नहीं आ। देखो जदन अंतिम यात्रा सी, अंतिम संस्कार किया गया, उदन भी लोग वड्डे पद्धर ते लोग नम अखां दे नाल श्रद्धांजलि देण आए। अज भोग समागम सी, अज भी उस तरीके लोगों का मेरे हिसाब न कह सकते कि इकट्ठ इस तरीके का होना अपने आप दे विच मायने खेस सी। ते जे बच्चों के नाल मापे आउंदे, बच्चे लैके आए आ, जां मापे बच्चों नूं लैके आए आ, जां भैणां अपने परिवारां नूं लैके आईआं, या भैणां नूं लैके आए ने परिवार के मैंबर, वह सारिया चीज़ां दसदियां ने कि सिद्धू मूसेवाले ने लोगों के घर दे विच थां कीती। और उपरों सब तो वड्डी चीज़ जिहड़ी आ उह जवान मौत साढ़े वैसे ही वाजब नहीं मनी जाती, उन्हूं तां वैसे ही पिंड दे विच दीपिका जी जे कितें जवान मौत हुंदी है ना, तां पूरे दे पूरा पिंड उस शाम सवेर चुल्हा नहीं बालदा, किसी दे घरे अन्न नहीं पकदा। ये चीज़ हुंदी आ पिंडा थावां दे विच, शहरां दे विच भी जिन्नी जिहदे नाल नेड़ता हुंदी उस हिसाब नाल दुख मनाउंदा है। ये नहीं आ क्योंकि मनुख तां मनुख ही हुंदा, भावें शहर दा होवे भावें पिंड दा होवे, पर पिंडां दी इह रवायत है लोक चुल्हा तक नहीं बालदे। तो ये पिंडा वाली सांझ बोली है इत्थे सिद्धू मूसेवाले की, उहदा कलाकार होना एक अलहदा गल आ, जवानी च मौत होना तो लोगों नाल प्यार होना ये अपने आप दे च। मैनू दीपिका जी ये तस्वीर चलो ठीक है, जिहदा जिहदे जिन्ना सीगा कि एक स्टार दे तौर पर भी लोग आ जाते हैं कि भाई वह स्टार सीगा असीं तां जाके आउने आ, असीं गीतां नूं पसंद करदे। मैनू ना ये इस सारे विच ना जिहड़ी स्पीच सीगी उहदे पिता दी, उहदी स्पीच दे विच बड़ियां गल्लां उहनां ने कहीआं, बहुत पॉलिटिक्स के बारे गल्लां कीतीआं उन्होंने, सिद्धू मूसे बारे वाले गल्लां कीतीआं। मैनूं एक जिहड़ी उहदे विचों सब तो चंगी चीज़ लगी, वैसे इदां दे मौके ते चंगा लगण वाला कुछ हुंदा नहीं, अफसोसनाक सी सारा, पर फिर भी मैनूं एक जिहड़ी चीज़ चंगी लगी वह उन्हें वह तंद खोली सिद्धू मूसेवाले दे पिता बलकौर सिंह ने, जिहड़ी तंद कदों दी टुट चुकी है साडी सोसाइटी चों, बहुत देर दा खत्म हो चुका है वह दौर। की कहिंदा सिद्धू मूसेवाले दा पिता, कहिंदा तरक्कियां भावें कर लईआं मेरे पुत ने, करोड़ां रुपया कमा लिया पर कदी जेब च पर्स नहीं रखिया, 1000 रुपया लोड़ हुंदी, 100 रुपया लोड़ हुंदी सी मेरे तो मंगदा सीगा। किन्ने क बच्चे आ जिहड़े अजकल माँ बाप नूं पैसे फड़ाउंदे आ, उन्हां तों मंगदे आ। असीं अपने वल देख लईए, मैं अपने वल देख लैना, मैनूं अज उह चीज़ सुण के ना सच्ची मैनूं अंदरों एक कह सकदे कि हड़क जिहड़ा भरिया हुंदा ना, वह चीज़ां होईआं कि आह चीज़ां तां कदों दीआं खत्म हो गईआं साडे विचों, कि असीं माँ बाप नूं अपनी पूरी कमाई दे दीए तो मुड़ के उन्हां दे कोलों मंगीए कि सानूं इत्थे लोड़ आ, सानूं इत्थे लोड़ आ। अज दा पुत ये कहिंदा तुसीं मंगो मेरे कोलों, मैं कमाउणा आ, एक एक रुपईए लई साडे कोल आओ,
इस करके आ पेंशनां दा दौर चलता पिया सरकारां दे अगे बजुर्ग जिहड़े मापिया हथ अड्डदे भी भाई साढ़े पुत पोते जिहड़े आ सानूं नहीं पुछदे सानूं नहीं वह बुलाउंदे असीं दवाई दारू करना हुंदा कितें कबीलदारी च हुंदा साडी पेंशन ही ला दिओ चार पैसे उही आउंदे साडे हो जाण कितें लोड़ पै जांदी है जेब च पैसा आऊगा कितें आउण जाण कीता जा सकदा आ मैनूं दीपिका जी सब तो अज दे उस भाषण दे विचों दिल टुंबवी खिचवी तो एक सोसाइटी लिए सबक वाली चीज़ नज़र आई कि वह बंदा जिन्हें पूरी दुनिया का दिल जितया होया बंदा जिन्हों पैसे की कोई कमी नहीं सी वह बंदा जिन्हें वह टिब्बे कोठी वह हवेली खड़ी करती जिदा दे मेरा ख्याल है कि किसी ने क्यास तक नहीं लाया होना कभी भी इदा का महल भी खड़ा किया जा सकता वह बंदा 100 रुपया भी अपने प्यो तो मंगता है कितने जाता है खर्चा होंगे वह अपने प्यो सारा कुछ यही सब तो वड्डी कमाई मैनू लगता कि सिद्धू मूसे वाले दा लोकां दे दिलां दे विच घर करन दा कारण यही सी उहदा आ वाला मिट्टी नाल जुड़े होण वाला काम माफ करना गीत उहदे किद्दां दे सीगे उस कंट्रोवर्सी च ने पए माड़े भी सीगे कहिंदे असीं माड़े भी सीगे चंगे भी होणगे पर फिर भी लोकां नूं टुंबदे सी क्यों क्योंकि उह बंदा मिट्टी नाल जुड़िया सी मिट्टी विचों ही शब्द चुणदा सीगा मिट्टी दे नाल जुड़े हुए लोकां नूं ही संबोधन हुंदा सीगा और उहदे विचों ही गल करके कहिंदा सीगा कि इत्थे खड़ के मैं गल करदा आं इत्थों मैं तुहाडे च अणख पैदा करदा आं आ मैं तुहाडे अंदर दी गल जिहड़ी उह कर दित्ती आ देखो हुण किहड़े पासे नूं जांदे हुण उह गल उह अणख दी करदा उहनूं अणख दी गल नूं तुसीं गैंगस्टरवाद नाल जोड़ सकदे हो तुसीं उहनूं हिंसा दे नाल जोड़ के रख सकदे हो तुसीं उहनूं गन कल्चर दे प्रमोट करन नाल जोड़ के रख सकदे हो पर एक गल इह वी आ कि पंजाबियां दे खासे दी वी तां गल करदा ना उह पंजाबियां दा खासा मरन मारन वाला आ शुरू तो रहा इन्हां दी मजबूरी रही है क्योंकि पंजाब भारत की ड्योड़ी कहा जाता सी दीपिका जी दिल्ली के तख्त पर किसी ने बैठना दिल्ली नूं किसी ने लुट्टण आना दो वारी पंजाब के लोगों नाल अड्डा लेना पैंदा सी एक वारी जदों आउंदा सीगा एक वारी जदों वापस जांदा सीगा इसे करके तो कहिंदे सी पंजाब दे जम्मियां नूं नित मुहिमा इसे विचों तक कहां अखाण निकलदा कि खाधा पीता लाहे दा रहिंदा अहमद शाह दा क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने जिन्ने हल्ले बोले वो पंजाब चो निकल के जाता सगा लुट पुट के लै जाता सगा लोग कहते खा लो जो कुछ खा हों अहमद शब्दाली ने हला बोलना तो सारा कुछ लुट के लै जाना खा पी लो रज लो साढ़े पंजाबियों के अंदर खाण पीण की जी कुवत है जी है ना वो शौक है वो इतों पैदा होंगे वह हालात पैदा कर दे अग्रैसिवनैस जी है फिर अंग्रेज सानू कहते मार्शल कौम है जंगा युद्धां च सानू झोकया जाता वो गाणियां च वह चीज़ बोलता सी उहदा तरीका वो शब्द किसी होर तरीके से आप लै लें उन्हूं उस तरीके कह लो पर आ जी गल मैं दीपिका जी अजय मेरे जहन के अजय भी रिड़क रही है तुम गल कर लो अपनी मैं गल कर लेना साढ़े स्टूडियो कोई बंदा गल कर ले जे सुनते उन्होंने गल कर लैन किन्ने लोग है एक बार दस दौ कमेंट करके किन्ने लोग है जोड़ा पुत या धी सारी की सारी कमाई जाके प्यो न माँ को अपने फड़ा देंगे मुड़ के कहें 100 रुपया भी थोड़े को लैना असी परस च पहला अपना खर्चा रखते हैं जो माँ प्यो दिने भी हैं तो पहला अपना खर्चा रख दे कि इन्ने क मेरे खर्चे होंगे महीने के मंगने ना पैण किसी तो मेरे को रहन ते उदे तो बाद कुछ तो इदा के ना शुकरे भी होंगे कहते तुसी साढ़े को मंगो असी देने नहीं मैनू अज दे भाषण दे विच जिहड़ा आ अंश सीगा बाकी जो मर्जी किया जिन्ना मर्जी बोलिया बलकौर सिंह मैनू आ अंश मेरे दिल नूं टुंब गया दीपिका जी जी बिल्कुल तो नाल ही गल उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की मेहनत की भी की और जिदा उन्होंने कहा कि दूजी जमात तो ही साइकिल दे दिता गया सी 24 किलोमीटर पढ़न जाया करता सी फिर उतों वापस आना और 12वीं जमात तक साइकिल जो है वो चलाया और फिर दसिया कि किस तरह अगे की पढ़ाई करते हैं फिर कैनेडा जाते हैं और गीत लिखे जाते सी सिर्फ उदों जदों गीत बेच के कुछ पैसे मिल सकन क्योंकि गुजारा करना जो औखा हो जाता से फिर उन्होंने हालात के यो जो काम ने वह भी किए गए ने और उस तो बाद मेरे ख्याल ना ये अणख पर अगर हेटर्स की गल कर लिए तो शायद उन्होंने इसे अणख नूं होमे च लिया कुछ ये भी कह सकते हैं बहुत सारिया चीज़ा ने दीपिका जी मेहनत बहुत सारी करते मेहनत केड़ा बंदा जिहड़ा मेहनत नहीं करता इनू असी ये भी कह सकते कि सिद्धू मूसेवाले ने भी वो हंडाया जिहड़ा मिडल क्लास का हर बच्चा हंडाउंदा कुड़ी भी हंडाउंदी है मुंडा भी हंडाउंदा मिडल क्लास के तो लोअर क्लास के लोगों ने हर किसी ने हंडाई होएगी अपर क्लास में उदा दीआं चीज़ां नहीं देखने मिलदियां उन्होंने कह सकते कि मौके ज़्यादा मिल जाते हैं मिडल क्लास हंडाउंदी है चीज़ां साइकल बहुतियां लोगों ने चलाए होणगे साइकल तो भी हट के कई लोग होणगे पैदल जा जाके भी कईयां ने पढ़ाई की होगी इदां दे लोग भी मिल जाणगे तुहानूं तरक्की उन्होंने भी की पर वड्डी चीज़ है कि जे वह गीत वेचण की गल करदा ना कि चार पैसे आ जाण गीत
दीपिका जी, मैं इदां दे राइटर भी देखे सारी जिंदगी जुत्तियां घसौंदियां दी उहनां दी लंघ जांदी है कलाकारां दे पिछे कि मेरा गीत एक अद्धा गा दिओ, फिर उहदा गीत गा दित्ता जांदा ते उहनूं मुआवजा जिहड़ा इवजाना मिलना हुंदा उह पूरा नहीं मिलदा। कई बार तो यह भी हाल हुंदा अगले नूं इह कह जांदा जे गीतकार दा गीत चंगा उहनूं कहिंदे भाई किन्ने पैसे लैणे आ, गीतकार नूं हुंदा मेरा नाम हो जावे, एक बार नाम हो गया पैसे तो बाद च आप ही आउंदे रहणगे। उह कहिंदा भाजी मेरा गीत गा दिओ मेरा नाम आ जाणा चाहीदा। उहनूं पता की कहिंदे आ कई कलाकार, नाम तेरा असीं कट देणा विचों, नाम असीं अपना रख लैणा विच, सिर्फ गीत तू सानूं बेचणा, अज तों बाद कहना नहीं है गीत तेरा आ, आ चक इन्ने पैसे तैनूं दे देने। ते कई वारी गुरबत दे मारे हुए कई गीतकारां ने इदां अपने गीत वेच दित्ते आ, अपनी कलम तोड़नी पई उहनां गीतां तों बाद उहनां नूं कि भाई ठीक है तुसीं अपने नाँ ते गा लो, साडा की असीं होर लिख लांगे, क्योंकि क्रिएटिव बंदे नूं हुंदा मैं होर कोई लिख लूंगा किते ना किते, चलो मैनूं इन्ना तां हौसला आऊगा मेरा गीत फलाने सिंगर ने गाता, चौं बंदे नूं कहण वाला तां होऊगा कि भाई नाँ नहीं आया विच पर लिखा मेरा ही आ, तो उहदे हौली हौली तोड़ तुर जाएगी। इदां दी वी गल हैगी आ, पर मैनूं लगदा कि उहदे विचों कदी कदी इदां दीआं चीज़ां निकलदीआं फिर बंदे नूं लगदा यार आप ही कातों ना गा लवां मैं जी, इन्ना क तां मैं भी बुत्ता ला लैंदा, इन्ना क तां मैं भी गा लैंदा, तो फिर उहदे विचों सिद्धू मूसे वाले की चमक गई किस्मत और चमकी इहो जिही कि वड्डा स्टार बन गया। चीज़ां मेहनत दीपिका जी सारे करदे आ, बहुत घट लोग होंदे जिन्हां नूं मेहनत दे नाल नहीं किस्मत दे नाल चीज़ां मिलदियां ने, बहुतियां नूं मेहनत नाल हासिल करनियां पैंदियां ने। सिद्धू मूसे वाले ने मेहनत की है, चंगी गल है और मेहनत का फल उन्होंने मिलिया भी है, पर इन्ना जरूर है जदों फल मिलण दा जिहड़ा दौर चलिया, जदों वो उस मेहनत के सिर पर उस शौहरत के सिर पर बड़ी वधिया जिंदगी जी सकदा सीगा, उदों ही उहदी जिंदगी खत्म हो जाती है जी। बिल्कुल, तो उत्थे ही जेकर आप सोशल मीडिया की गल करिए तो सोशल मीडिया नूं भी खास अपील की गई है कि किसी तरह के गीत या किसी तरह की स्टोरी जो है वो इस तरह की ना पाई जाए, और नाल दे नाल उन्हां लोकां नूं भी अपील की है जो गलत जानकारियां दे रहे ने, पैसा इकट्ठा करने की कोशिश भी की जा रही है सिद्धू के नाम उत्ते। बहुत कुछ दीपिका जी, इस भोग समागम तो पहला आप एक खबर साझी की किदां भोग समागम के लंगर लाने के नाम से लोग पैसे इकट्ठे करी जाते हैं, जबकि कितने परिवार ने नहीं कह सकता कि भाई इदा पैसे इकट्ठे करके इतने लंगर लाओ, प्रबंध तो कर लेना सीगा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, रसद परिवार ने दे देनी सी, वो सारिया चीज़ा पहले तय हो चुकिया सी पर पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे, बाद च बंद भी करवाइया गई, चीज़ा जो शिकायतें उहदी मिलनिया शुरू हो गई ने। सो हुण भी बड़ा कुछ है गीतों लैके भी कहा गया कि सिद्धू मूसे वाले जे कितने अनरिकॉर्डड गीत पै आ किसी को, कोई बोल उहदे कोल पै जिहड़े रिकॉर्ड नहीं होए, कृपा करके परिवार की मर्जी तो बिना वो ना रिलीज़ किए जाने, क्योंकि बड़िया चीज़ा ने अजे बहुत कुछ हौली हौली, क्योंकि बापो का कहना मैं बड़ा कुछ सामभ के रखा हुआ सिद्धू मूसे वाले का, मैं एड्डी छेती मरण नहीं दूंगा उन्होंने, मैं हौली हौली करके कुछ नवी चीज़ा पब्लिक में देव ताकि उन्होंने ये अहसास हों रहे कि नहीं वो भावें चला गया आता वह गीत बिल्कुल ही नव, इदा लगता कि कल गाया उन्हें अज साढ़े तक पहुँच गया उदी होण दा अहसास जिहड़ा वो बनया रहे। सो परिवार ने यह अपील की, बड़ा कुछ होर भी सोशल मीडिया से पै रहा आ, आपो अपने तरीके अपनी सोच ना लोग पा रहे हैं, तो अपील की है सोशल मीडिया है इतने सारा कुछ होंदा रहना, अपील कीतियां ने मनदे आ नहीं मनदे ये लोगों की अपनी मर्जी के उत्ते, पर मैं तो इस गल की हैरानी है कि वह भोग समागम खत्म होने तो बाद भी लोग उस जगह तो हिलन लिए तैयार नहीं सके, सोशल मीडिया तो छड्ड दिओ, वो तो एक इहोजी तिलकवी थां आ दीपिका जी जिथे हर कोई खड़े होने की कोशिश सिद्धियां करता पर पैर फिसल के तुम किहड़े पासे नूं निकल जाणा तुहानूं नहीं पता, ये सोशल मीडिया इदां दा आ, कई बार सट फेट भी लवा दिंदा तुहाडे, पर उस जगह दे उत्ते लोग हिलण नूं तैयार नहीं, इन्नी गर्मी आ कहर दी गर्मी चलती पई है इस वेले, पारा 45 डिग्री दे आस पास चलता पिया, लू वगदी पई है, लोग उत्थों हिलण नूं तैयार ही नहीं सीगे, उहनां नूं लगदा ही नहीं सीगा कि उहनां नूं लगदा सी अजे होर बहुत कुछ होणा, अजे होर बहुत सारियां गल्लां करनियां, प्यो ने गल्लां करनियां, मां ने गल्लां करनियां, होर पता नहीं टब्बर चों किहड़े बंदे ने किहड़ी गल कह देणी, उह सुणन लई बैठे सीगे उत्थे ते सुणिया भी आ लोकां ने जी। बिल्कुल, अज अंतिम अरदास कर दित्ती है, मैंने लगता कि हुण वो सीर जिहड़ा सीगा दुनिया च वो आप कहने ना खत्म हो गया सीर, बाकियां लई कहने आ पर सिद्धू मूसे वाले का सीर रलिया रहूगा जब तक वो गीत जिहड़े आ वो लोगों के दिलों के धड़कणा वांग गूंजते रहणगे जी। बिल्कुल, तो ऐसे मुद्दे उत्ते चर्चा अगे भी जारी रखांगे, फिलहाल समा हो गया एक ब्रेक दा, मिलते हैं ब्रेक तो बाद। ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। तो जसवीर जी, बलकौर सिंह हुणां दे वल्लों तां सरकार नूं वी अपील कीती गई है, पहला तो उन्होंने कहा कि समा देना चाहुंदा आ मैं सरकार नूं कि इंसाफ
दवा देन ते जेकर इंसाफ मिलदा ना दिखिया तो फिर अगे की व्यौंत बंदी इस दे लई कीती जानी है उहदे बाबत भी मैं जानकारी देवांगा। और जो पोस्टां पै रहियां ने उस ते यकीन करन दी लोड़ नहीं है, मैं खुद लाइव हो के इस बारे जानकारी देवांगा। इस नूं कीवें देखदे हो? चंगी गल है, मैनूं लगदा कि इह इक हौसले वाली भी गल हैगी दीपिका जी, और इह इक साफ ते स्पष्ट स्थितियां करन दे वाली भी गल हैगी कि भुलेखा ना रहे, क्योंकि जदों एक तो दूजी थां ते गल पहुंचदी, दूजी तो तीजी थां ते गल पहुंचदी ना, उहदे विच वखरेवे आ जांदे आ। मैं तुहानूं कुछ दस्सिया, अगे जदों तुसीं किसे होर नूं उह गल दस्सणी आ ते उहदे विच तुहाडी विचारधारा शामिल हो जाणी आ। मैं की कहा, कई वारी उह शब्द ही बदल जांदे आ। सो इस करके वह चंगा काम किया कि मैं आप लाइव होकर जी भी जानकारी देनी होगी देवगा। तुम इधरों उधरों जड़िया खबर आदियाँ उन्होंने उत्ते भरोसा ना करियो। चंगी गल भी है कि मौका दिता है पंजाब सरकार ने, समा दिता है, क्योंकि सरकार ने पिछले कुछ दिनों तो जिन्ना ताबड़तोड़ तरीके कार्रवाइया कीतिया ने ना, 8 बंदियां नूं फड़िया, शार्प शूटर तक पहुँचे, केकड़े तक नूं फड़ लिया, और होर जिहड़े गैंगस्टर सीगे उन्हां तक अप्रोच की जा रही है, लॉरेंस बिश्नोई तक अप्रोच की जा रही है, जग्गू भगवानपुरी दे नाल हुण गैंगस्टरां ने अदालतां दे दरवाजे खड़काउणे शुरू कर दिते। उह सारा सिलसिला जिहड़ा चलदा इहनूं परिवार भी समझदा है कि एक पासे तुरी हुई है जांच, 6 बंदे जे सिट बना के जांच दे विच लाए गए ने तां इह किते ना किते गल पहुँचेगी। इहनां नूं मौका देना चाहीदा, उह मौका दिता जा रहा, ते जिद्दण नहीं लगा ना इन्हों के नहीं भाई ये गल सिरे नहीं पहुँचती भाई लटकाई जा रही है, उदन वह कहें फिर मैं दसागा कि करना की है। करना की है साफ तो स्पष्ट है, वह पहला कह चुके हैं, अमित शाह होर मुलाकात कर चुके, उधरों भरोसा मिल चुका है कि केंद्रीय एजेंसियों तो फिर जांच करवाई जाएगी, या CBI जांच करेगी या NIA जांच करेगी, फिर केंद्रीय एजेंसियों के उत्ते टेक रखी जाएगी। मैंने लगता कि एक चंगा फैसला आ, बहुत सारिया चीज़ा जिड़िया उन्होंने सोच विचार के ही ये गल की है, ते जांच तेजी नाल हो रही है दीपिका जी, भावें अजे हाथ खाली है पुलिस दे, अजे उस नुक्ते तक नहीं पहुंचे, पर इन्ना जरूर है आले दुआले जिहड़ा घेरा कत्या जा रहा ना मुजरमां दे, उह जरूर इस पासे वाले इशारा करदा कि अज नहीं तां भड़क भड़क नहीं तां परसों पुलिस नूं कामयाबी मिल सकदी है जे इसे रफ्तार दे नाल इसे शिद्दत दे नाल काम करदी रहे। जी बिल्कुल, और इत्थे उन्होंने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग दा भी खास तौर उत्ते जिक्र कीता। हाँ, ये वड़िंग नूं लैके बड़ी चर्चा चलती सी, मैं निजी तौर पर जिन्नी बारी आप गल की दीपिका जी, आप गल कर पॉलिटिक्स कर रही है कांग्रेस, तो जो मैं वड़िंग होरां दी गल करदा मैं तुहानूं इह कहा कि बहुत नेड़े दा बंदा उहनां दे, उहदा विचोला भी उह बंदा वड्डा बाई उहनूं कहिंदा। आपां इह वी गल कर चुके हैं TV Punjab दे जरिए कि जदों उह सियासत च आउण लगा उहनें रोकिया भी सीगा कि रहण दे तूं प्रसिद्ध बंदा आ, तेरा वधिया उधर गाउण पाणी चलदा पर तूं सियासत च आण के की लैणा, इह गल कही गई है बकायदा, आप भी दस्या कि यह चीज़ा हुई ने, पर बहुत सारे लोग सके जे चर्चा करते राजा वड़िंग सियासत करता, राजा वड़िंग जान की करता, आ कर लिया वह कर लिया, बड़े लोग सके उत्थे, बड़े चीक चीक के कहने वाले लोग भी उत्थे मौजूद सी, ईवन के जिदन संस्कार से उदन भी बड़े लोग इदा देते जे टले नहीं राजा वड़िंग के उत्ते टीका टिप्पणी करन तो। अज मैं लगता कि बलकौर सिंह ने वो चीज़ स्पष्ट करती कि साढ़े बहुत नेड़े आ, परिवार का मैंबर आ वो साढ़े, और सही दिशा ते दशा जिहड़ी आ उह सिद्धू मूसेवाले नूं दिंदा रहा राजा वड़िंग। पिता ने यह भी गल कही कि सियासत च ना लिआउणा चाहुंदा सी राजा वड़िंग, ना उहनूं आउण लई कहा गया राजा वड़िंग दे वल्लों, सगों रोकिया गया कि तू ना आ सियासत दे विच, तेरी लोड़ नहीं इधर, तू अपना काम जिहड़ा वधिया चलदा तू उहदे विच रह। पर उह कारण किहड़े सी? सिर्फ सुरक्षा एक कारण सी जिहदा करके सिद्धू मूसेवाला सियासत च आया। ये मैं पहला भी गल कह चुका उही गल अज बलकौर सिंह होरां ने कही है कि उन्होंने लगता सी सिद्धू मूसेवाले नूं कि सियासत आऊँगा MLA बनूंगा तो सिक्योरिटी मैनूं उदां ही मिल जाणी आ। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा ने की इंटरव्यू दे विच कहा सीगा, यही गल कही सी कि जिद्दण उह आण के राजा वड़िंग दे कोल कहिंदा कि आपां सियासत करनी आ चोण लड़नी, उह कहिंदा तैनूं की लोड़ आ, कहिंदा नहीं बाई जी मैं मिन्नता कर करके थक गया जी, मेरे तो घड़ी घड़ी सिक्योरिटी लेनी कहा हुंदा, जे मैं जित जाना मैनूं पक्की सिक्योरिटी मिल जाएगी, मैनूं कोई चिंता नहीं रहेगी, थ्रैट बहुत आते हैं। यही गल कही ना सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कि मना कर रहे थे असीं उन्हूं, पर बावजूद सिक्योरिटी का करके होया, वो सिक्योरिटी उन्हूं सियासत च लैके आई या होर कोई कारण सी, भावें उहदी माता कांग्रेस के वलों सरपंच सी, बावजूद इहदे कांग्रेसी चाहुण तां जो मर्जी कह सकदे जो मर्जी उन्हूं सियासत च लिया सकदे सी, नहीं आया वो बंदा, पर जो उन्हूं लगा कि नहीं हुण सरना नहीं आ उदों वो बंदा सियासत च आउंदा। मैनूं लगदा कि सियासत स्पष्ट कर दिता राजा वड़िंग का नज़रिया जिहड़ा सी स्पष्ट कर दिता बलकौर सिंह होरां ने, और उहदे तो बाद वो लोग जिहड़े वड़िंग नूं सियासत करन वाला कर रहे। मैं तो कहना जे सियासत
किसी हद तक हुई भी है तो क्यों ना करनो कांग्रेस दे वलों चोन लड़िया सी यार जी। इन्ना कि तां उन्हां दा कांग्रेस दा हक बनदा सीगा कि तुहाडी पार्टी दा बंदा जिहड़ा उह इंज मार दित्ता जांदा शरेआम, तुहाडा लीडर सी, इक स्टार सी, ते तुसीं उहदे उत्ते जे आवाज़ भी नहीं बुलंद करदे तां फिर तुहाडे बाकी मैंबर की कहणगे जी। भड़क नूं कोई होर मैंबर की कहूगा, अगला होर भी तां सोचदा ही है कि मैं कांग्रेस वलों चोन लड़िया भाई मैनूं थ्रैट आ, अज इह सिद्धू लई नहीं खड़े होए कांग्रेसी भड़के मेरे लिए खड़े हो जाएंगे, वो अगले होर भी सोचणगे लीडर, इस करके उन्होंने खड़ना सी, उन्होंने खड़ना बनता सीगा, सो खड़े हो। हाँ इन्ना जरूर है कि सत्थर दे उत्ते बैठ के सियासत नहीं होनी चाहिए, वह भावें कांग्रेस होवे, भावें आम आदमी पार्टी होवे, भावें अकाली दल होवे, भावें भारतीय जनता पार्टी होवे, कोई भी होवे, सत्थर दे उत्ते बैठ के उन्हें सियासत नहीं करनी चाहिए, इस गल की निखेधी असी हमेशा की है जी। बिल्कुल, और इतने सिद्धू मूसेवाला के माता जी का जिक्र करना भी बिल्कुल बनता है, क्योंकि जिस दलेरी जो उन्होंने देखने मिल रही है, मेरे ख्याल ना पिता के नाल नाल सिद्धू के दलेरी माता तो भी आई होएगी, पुत की मौत का दर्द हंडा रहे हैं, और तस्वीर जिस तरह दिया सामने आ रही ने कि पति भी संभाल रहे हैं, उन्होंने भी तरवास दे रहे हैं, और अज जिस तरह भी स्पीच देंगे ने, भावुक जरूर सन इस समय, और उन्होंने वालों साफ तौर उत्ते भी कहा गया कि तुम सिद्धू की सोच न जिंदा रख है, एक एक रुख लगाउण दी अपील उन्होंने की है, और यह भी कहा कि रुख लगा के भुल ना जाइयो, उसनू वड्डा भी करना है, उसकी देख रेख भी करनी है, उसनू कैसे देखते हो? मां का दिल वैसे बहुत वड्डा होंदा दीपिका जी जी, जिड्डा कोमल होंदा ना उड्डा ही वह सख्त भी होंदा मां का दिल, तो मेरा ख्याल है कि यह शब्दों के बयान किया जा नहीं सकता, एक शेर है ना कि मां वर्गा कणछावां बूटा मैनू नजर ना आया, लैके जिस तो छां उधारी रब ने स्वर्ग बनाया, कि उहदी छां उधारी लैके रब ने स्वर्ग बनाया। सो मां दा तां दीपिका जी वह फुल दी भी लगती है ना बच्चा नूं ते टुट जाती है, पर इदां आ कि जे बच्चा ते मुसीबत आउंदी है जिस शिद्दत दे नाल, जिस सिदक दे नाल, सिरड दे नाल वो अगे हो के खड़ जाती है ना, ओडा हौसला कोई होर कर भी नहीं सकदा। सो इस करके जे तुसीं अज कहिंदे कि हौसला नजर आया ना, थोड़ी स्ट्रोंग नजर आई है, तो यह मां आ, मां इदा ही होंगी है दीपिका जी, तो मां ने इंज ही अगे खड़ना होंगे हूँ, क्योंकि उन्हें इस गल का एहसास कर लिया कि पुत तुर चुका है इस दुनिया तो, हूँ खत्म आ, गल खत्म आ, हूँ अगे उस पुत की सोच न कि लैके जाना है, वो होंद न कि बरकरार रखना है, हूँ वो तो गांह जो असी सोचते पे हाँ कि आह चीज़ा होनी चाहिए वो जाने तो बाद कि होगी, जो हौसला करे तो होनी, उन्होंने इस गल का एहसास है, इस करके सामना भी दोनों ने एक दूजे आ। जिहड़ा सिद्धू मूसेवाले दे पिता बलकौर सिंह है वह अपनी पत्नी चरण कौर होरां नूं सांभणगे, चरण कौर होरी अपने पति बलकौर सिंह होरां नूं सांभणगे, जीवन साथी होण दा यही तो मनोरथ हुंदा है, जीवन साथी कि जिंदगी होर तरीके नाल कट्टण दा थोड़ी हुंदा है, जीवन साथी होण दा मतलब यह थोड़ी है कि बन्न दिता तुहानूं ते सारी जिंदगी सोसायटी कहिंदी इदां रहिणा ते इदां ही रहिणा ना, आह ही जीवन साथी होण दा कि औखे सौखे वेले इक दूजे नाल खड़ना, जे पति टुटदा आ ते पत्नी ने सामना हुंदा, जे पत्नी टुटदी आ ते पति ने सामना हुंदा, आही चीज़ है, ते मैनूं लगदा कि उही कर रही है चरण कौर, मजबूती दे नाल बलकौर होरां नूं सांभ रही है जी। ते बस इहदे बारे यही कहा जा सकदा, मैनूं लगदा कि मां वर्गा हौसला जिहड़ा है वो चरण कौर दिखा रही है जी। बिल्कुल, तां तमाम मुद्दे उत्ते चर्चा अगे भी जारी रखांगे, फिलहाल समां हो गया इक ब्रेक दा, मिलदे आ ब्रेक तों बाद। ब्रेक तो बाद स्वागत है, तो जसवीर जी गल करांगे मान सरकार दी, मान सरकार कार्रवाइयां जो ने उन्हां वल्लों लगातार कीतियां जा रहियां ने, ते हुण ये भी खबरां ने कि एक होर वड्डी कार्रवाई की तैयारी दे विच सरकार, असल दे विच भगवंत मान होरी सिद्धू मूसेवाले दे कतल तो बाद घिर गए, उन्हां दी सरकार जिहड़ी है एक हाइप क्रिएट कीती सी उहदे तो बहुत हेठा आई, ग्राफ बहुत हेठा चाया, लोकां दा नज़रिया बदलिया जी, हुण दोबारा फिर उस जिहड़ा वो स्केल नूं हासिल करन लई, वो लैवल हासिल करन लई मान सरकार नूं बड़ा कुछ करना पैणा, उहदे विच जे आपां गल कर लईए हुणे हुणे साधू सिंह धर्मसोत वाला मामला जी, यह है संगत सिंह गिलजियां नूं फड़न की कोशिश की जा रही, वह रूपपोश होए दसे जा रहे हैं, ये तो अलावा कई होर मंत्रियों का नाम चलन लग पाया, हुण इहदे विच एक गल होर निकल के आई है कि पंजाब सरकार ने हुण तय कर लिया कि वह जिहड़ियां कब्जे वालियां जमीनां छुड़वाउणियां सीगियां ना जी, खास तौर पर चंडीगढ़ के आस पास, न्यू चंडीगढ़ की गल कर लिए, कुराली की गल कर लिए, पल्लणपुर सिसवां उधरले पासे जिहड़ा आ, फिर मोहाली के नेड़े तेड़े आ, उस जमीन के उत्ते जिहड़े तनाड काबज है ना, खास तौर पर सियासतदान काबज आ, हुण सरकार इस तैयारी च है कि नाम जनतक कर दी इहनां दे,
लोगों को दस दी किने किने किन्नी किन्नी जमीन दबी है ताकि एक बार लोगों के सुनेहा चल जाए पता लग जाए कि पहलिया सरकार अहदे पर रहने वाला बंदा किन्नी जमीन पंचायती दबी बैठा है जी। वो एक चीज़ की जा रही है थोड़ा जा कानूनी पहलुआ तो चलता पै चर्चा कि कित इंज ना हो असी नाम जनतक करिए मुड़ के साडे ते मानहानि दा केस कर दिता जाए किसी के वलों साडे लई समस्या खड़ी हो जाए क्योंकि पहले ही सिक्योरिटी दे विच जिहड़ियां चीज़ां जनतक करन दा करके आम आदमी पार्टी की सरकार घिरी पई है अदालत तक जवाब देना पै रहा वो अदालत पुछदी है कि दसो आ सिक्योरिटी वाले पेपर जिहड़े लीगली तुसीं नहीं कर सकते इस तरीके नाल जनतक वो सीक्रेट सीगे ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਗਲ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੇ DGP ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ एक बार परदादारी जी बनी हुई है वह उठ जाए तो मैं लगता कि ये लीगल सलाह लैन की बजाय जस्टिस कुलदीप सिंह ने जी जांच पड़ताल की रिपोर्ट बनाई सी जो भी जनतक कर दी जाए ना तो मैं लगता कि सारे खुलासे वे अपने आप हो जाने पर मान सरकार आने वाले दिनों बहुत छेती ये चीज़ा कर रही है तो उम्मीद है हो सकता है संगरूर जिमनी चोण तो पहला ये परदेफाश किए जाएंगे बहुत सारे नाम अगे आने हूँ कंसू आवन लग प कि वो जिहड़े कब्जे करके बैठे आ जमीना दे उत्ते दिल उन्हां दे तेजी नाल धड़क रहे ने कि पता नहीं किदन लोकां दे सामने सानू नशर कर देना इन्हां ने। बिल्कुल, पर यह जिमनी चोण तो पहला ही किया जा रहा है कि इसका भी सियासी लाहा खट्टण की कोशिश कह सकते हैं की जा रही। कोई शक नहीं दीपिका जी, कोई शक नहीं है। मैं क्या ना पहले कि जिहड़ा वो ग्राफ हेठां डिग्गिया होया सी सिद्धू मूसेवाले दे कत्ल तों बाद उहनूं ग्राफ नूं उच्चे चक्कण लई कुछ ना कुछ करना पैणा। की लोड़ सी अद्धी रात नूं 3 बजे साधू सिंह धर्मसोत नूं चक्कण दी? ठीक है, तो जे साधु सिंह धर्मसोत में चक्या सीगा तो FIR तुहाडे कोल होई होई सीगी। FIR दे विच संगत सिंह गिलजियां दा नाम सीगा, वो बंदा सवेरे राहुल गांधी नूं रिसीव करन लई जांदा, सिद्धू मूसेवाले दे घर तक अफसोस करन लई जांदे आ, शाम नूं तुसीं कहिंदे सी उहनूं फड़ना तो वह रूपोश हो जांदा, लभदा नहीं तुहानूं, नाल उहनूं वी तां चक्या जा ही सकदा सीगा। वो एक हाइप क्रिएट करके रखनी है ना, हुण उही इहदे विच होणा आ लाजमी तौर पर यह चीज़ा करके एक हाइप क्रिएट करनी है आम आदमी पार्टी ने। और जो उन्होंने लगता कि समा हों, हर चीज़ का एक समा हों, हर चीज़ की एक टाइमिंग होंगी। दीपिका जी, पॉलिटिक्स टाइमिंग का नाम है, किड़े वेले तुसी अपना किड़ा पत्ता खोल दे हो और वो पत्ता उस समय के सीधा पैंदा जां पुट्ठा पैंदा, इहदे ते तुहाडी पॉलिटिक्स निर्भर करती है। हुण आम आदमी पार्टी एक पर्याप्त समा लभदी पई है कि किहड़े समय ते इहनूं जनतक करिए इस सूची नूं ते सानू उहदा लाभ होवे। देखो किहड़ा चंगा मुहूर्त, शुभ मुहूर्त जिहनूं कहिंदे आम आदमी पार्टी लई शुभ मुहूर्त किहड़ा निकलदा जदों ओह नाम जनतक कीते जांदे। जी बिल्कुल, तां तमाम मुद्देआं उत्ते विस्थारपूर्वक चर्चा लई बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर। शुक्रिया दीपिका। न्यूज़ रूम लाइव देख रहे दर्शकों का भी धन्यवाद। देश विदेश से ताज़ा जानकारी लई देखते रहो TV पंजाब।